अब हम चंद ऑडिटिंग टूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारे पास ये एक डाटा सेट है जिसमें प्रोडक्ट है, उनकी क्वांटिटी है, प्राइस है और टोटल प्राइस क्या है और टैक्स इस पे कितना हमें पे करना पड़ा जब हमने ये प्रोडक्ट्स जो है वो बाय किए हैं। हम वो काउंट करना चाहते हैं, उनकी ऑडिटिंग करना चाहते हैं कि कितना हम एक्सपेंस कर चुके हैं। उसके लिए देखिए कीबोर्ड है, 5 कीबोर्ड हमने बाय किए हैं, 320 रुपीज पर कीबोर्ड की प्राइस थी और जो टोटल कितनी प्राइस हुई है और टैक्स कितना इस पे कट हुआ है। उसके अलावा माउस 7 हमने बाय किए हैं, 200 प्राइस थी पर माउस की और 1400 जो है वो टोटल प्राइस बन गई और टैक्स इस पे कितना लागू हुआ है 98 रुपीज। इसी तरीके से स्पीकर्स हैं, स्पीकर्स 4 हमने बाय किए हैं, 800 का एक स्पीकर है और इनकी टोटल प्राइस हो गई है 3200 और इस पे टैक्स जो है वो 224 रुपीज लगे हैं। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि किस तरीके से इसकी टोटल प्राइस आई और किस तरीके से इसकी टैक्स को काउंट किया गया है। अब फिलहाल तो हमें पता है कि क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई किया है तो टोटल आया है और टोटल जो टैक्स है वो यहाँ पे लिखा है जी टैक्स पर 100 जो है वो 7% है। 7% पर 100 के हिसाब से जो टैक्स है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करके 7% टैक्स को यहाँ पे लिख दिया गया है। अभी हमें पता है क्योंकि ये शॉर्ट डाटा सेट है और इनकी जो कैलकुलेशंस है वो हमें पता है, बट अगर एक लेंथी डाटा सेट हो आपके पास और उसमें आपने ऑडिट करना हो तो उसको किस तरीके से करेंगे, उसके लिए हमारे पास जो है वो जो यूज होता है वो है प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस क्या है, आपने इस सेल पे जिसका फार्मूला हमने चेक करना है कि वो जो वैल्यू काउंट की गई है वो किस फार्मूले के अगेंस्ट की गई है, किस तरीके से काउंट की गई है, उस सेल पे क्लिक करना है। करने के बाद फार्मूलाज मेन्यू बार में जाके यहाँ पे आपके पास फार्मूला ऑडिटिंग का टूल बार ग्रुप है, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ट्रेस प्रेसिडेंट्स लिखा हुआ है, ट्रेस डिपेंडेंट लिखा हुआ है, रिमूव एरोज हैं, शो फार्मूलाज हैं, एरर चेकिंग है और एवेल्युएट फार्मूला है। हमने ये चेक करना है कि इस पे किस तरीके से फार्मूला लगा है, यहाँ कौन कौन से सेल्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू काउंट की गई। उसके लिए क्या करेंगे, फार्मूला ऑडिटिंग टूल में ट्रेस प्रेसिडेंट्स पे क्लिक करेंगे तो हमें ये एरो साइन शो कर देगा कि इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया है तो ये हमारे पास आंसर आया है, या वो हमें इन शॉर्ट ये बताता है कि फर्स्ट डॉट और सेकंड डॉट जो है ये दो वैल्यूज इंक्लूड हैं इस वैल्यू की कैलकुलेशन के लिए। अगर मैं इसका चेक करना चाहूं तो उस सेल पे ले जाके ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करूं तो ये एरो साइन शो हो जाएगा, इसका मतलब 7 और 200 को मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू काउंट की गई है। थर्ड वाली वैल्यू पे जाऊं, इस पे ट्रेस प्रेसिडेंट कर दूं तो ये हमें ये बताता है कि 4 को 800 के साथ यूज करके ये वाली जो वैल्यू है ये काउंट की गई है। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि ये वाली वैल्यू किस तरीके से काउंट की गई है तो इसको ये टैक्स वाली वैल्यू को काउंट करने के लिए क्या देखेंगे, इस सेल पे क्लिक करने के बाद ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने से हमें ये पता चला है कि ये वाला डॉट और ये वाला डॉट इन दोनों वैल्यूज को यूज करके इस वैल्यू को कैलकुलेट किया गया है। अगर ये एरो साइंस की वजह से कोई आपको समझ नहीं आ रही तो मैं ये एरो साइंस को पहले सारी को रिमूव कर देता हूं। रिमूव करने के बाद अगेन इस सेल पे क्लिक करके ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करता हूं तो हमें पता लग जाएगा कि 7 को और 1600 को यूज करके ये वैल्यू जो है कैलकुलेट की गई है। इसी तरीके से अगर मैं इस पर क्लिक करूं और ट्रेस प्रेसिडेंट देखूं तो ये 1400 और 7% को यूज करके ये वैल्यू कैलकुलेट की गई है। इसी तरीके से 224 पे ट्रेस प्रेसिडेंट, इन दोनों वैल्यूज को यूज करते हुए ये जो वैल्यू है काउंट की गई है। ये है ट्रेस प्रेसिडेंट्स। हम इसके जरिए से फार्मूला को ट्रेस कर सकते हैं कि किन किन वैल्यूज को यूज करते हुए फार्मूला अप्लाई किया गया और इस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया गया है। अब देखते हैं कि हम किस तरीके से कोई भी स्पेसिफिक फार्मूला जो है एवेल्युएट कैसे कर सकते हैं। उसके लिए ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे फार्मूला के नीचे लिखा हुआ है 10-4 मल्टीप्लाई बाय 2+6 डिवाइडेड बाय 3। इस पे अब फार्मूला लगा के इसको सिंप्लीफाई करना है। किस तरीके से करना है, अब अगर मैं इस सेल में देखूं तो अगर इस पे डबल क्लिक करूं तो इस पे इक्वल लगा के सेम सारी वही वैल्यूज है 10-4 मल्टीप्लाई बाय 2+6 डिवाइडेड बाय 3। अब अगर मैं इस पे एंटर प्रेस करता हूं इक्वल लगाने के बाद तो ये मुझे 4 आंसर देता है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि इस सेट ऑफ ऑपरेटर्स में एमएस एक्सेल ने किस ऑपरेटर को प्रायोरिटी बेसिस पे सॉल्व किया है। तो ये चेक करने के लिए हम इस सेल पे जिस पे हमने फार्मूला लगा दिया है उस पे क्लिक करने के बाद फार्मूलाज के टूल बार मेन्यू में फार्मूला ऑडिटिंग के टूल बार ग्रुप में यहाँ पे इवेल्युएट फार्मूला का ऑप्शन है।
इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पेज जो पॉपअप पेज शो होता है इस पे यहां पे सेम जो वैल्यूज यहां पे लिखी थी वही वैल्यूज यहां पे लिखी हैं। और इसके नीचे जो अंडरलाइन लगाई है छोटी सी माइनर सी, ये हमें ये बताती है कि सबसे पहले इस जो ऑपरेटर है इसको प्रायोरिटी बेसिस पे सॉल्व किया है। उसके बाद अगर नेक्स्ट देखना चाहते हैं उसके बाद क्या किया, एवेल्युएट पे क्लिक करेंगे तो जो उनका आंसर था उसके साथ 10-8 वाले जो ऑपरेटर है उसको एवेल्युएट किया गया है। देन 6/3 को ऑपरेट किया गया है। देन जो 2+2 उसका डिवाइड करने के बाद आंसर था उनको एवेल्युएट करके हमारा आंसर 4 आ गया है। आप इसको रीस्टार्ट पर क्लिक करके अगेन भी चेक कर सकते हैं किस तरीके से एवेल्युएट किया गया है। क्लोज पे क्लिक करके ये मेथड हमें इस तरीके से एवेल्युएट फार्मूला पे क्लिक करने के बाद जो भी प्रायोरिटी बेसिस पे या स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से ऑपरेटर्स को इन्होंने सॉल्व किया है ये एमएस एक्सेल में हम चेक कर सकते हैं। ये मेथड था जिसके जरिए से हम किस तरीके से कैलकुलेशंस की गई हैं उसके बिहाइंड जो फार्मूला यूज किया गया है या जो कैलकुलेशंस यूज की गई हैं उनको हम चेक कर सकते हैं, और इवेल्युएट फार्मूला में हम किस प्रायोरिटी बेस पे ऑपरेटर्स को सॉल्व किया गया है हम वो चेक कर सकते हैं।